पिछले वीडियो में मैंने आपको सेक्टर 111 और 113 के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको सेक्टर 102A, सेक्टर 104, सेक्टर 101 और सेक्टर 102, इसके यहाँ पे एक अंडरपास बन रहा है, जो इस अंडरपास में अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वो आपको हीरो होंडा चौक के पास NH8 पे जोड़ देगा। यहाँ पे जो अंडरपास बन रहा है, इसमें एक टेक्निकल चैलेंज है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी एक न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा, और मैंने लास्ट वीडियो भी एक ऐसा शेयर किया था जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि टेक्निकल चैलेंजेस क्या क्या है और कैसे हरियाणा गवर्नमेंट को इस पर वर्कआउट करना चाहिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको इस इंटरसेक्शन में एक टेक्निकल चैलेंज आ रहा है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। जो NHAI बना रही है द्वारका एक्सप्रेसवे, अगर उसका सर्फेस रोड आप देखेंगे तो ये जो वाइट आपको बाउंड्री वॉल्स दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ये 90 मीटर्स है। जो लैंड एक्विजिशन हुआ है, जिसे हरियाणा गवर्नमेंट ने किया था जब द्वारका एक्सप्रेसवे 2006 में और 2007 में बोला गया था कि द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है और वाइडेस्ट रोड होगा, तो 150 मीटर का किया गया था। यानी कि वो यहाँ पे कहीं इस जगह पे 150 मीटर आता है इधर में, और यहाँ पे इस जगह पे कहीं 150 मीटर आता है। 150 मीटर से लेकर 210 मीटर के बीच का जो लैंड है, उसे हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी तक अक्वायर नहीं किया है। तो अब इमेजिन कीजिए कि ये जो अंडरपास है, ये अंडरपास आप सेक्टर 102 में रहते हैं और यहाँ से आप इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ तक इस पोर्शन तक तो लैंड अक्वायर्ड है और यहाँ पे इस पोर्शन तक लैंड अक्वायर्ड है। दोनों ही तरफ इधर भी 30 मीटर और इधर भी 30 मीटर वो लैंड ही अक्वायर्ड नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, जो आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा, आपने उसमें मेरा बाइट भी देखा होगा न्यूज़पेपर में। तो मेरी यहाँ पे यही रिक्वेस्ट है हरियाणा गवर्नमेंट से कि जिनका भी मुआवजा यहाँ पे बचा हुआ है लैंड ओनर्स का, उनको मुआवजा दे, और यहाँ के जो कुछ लैंड ओनर्स हैं मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगा जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, जिनका लैंड अक्वायर होना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको ये सारा मामला जो है ना वो डिटेल में समझ में आ जाएगा। और इस डायरेक्शन से अगर आप दिल्ली की तरफ जाते हैं, यहाँ से देखिए, इस डायरेक्शन से अगर आप यहाँ पे जाते हैं, पैकेज 3 है ये भी, ये बजगेड़ा रोड का इंटरसेक्शन। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये मेरा करंट ऑफिस है और मेरा न्यू ऑफिस जो है वो यहाँ पे होगा इस जगह पे, और ये बहुत प्राइम लोकेशन। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है सेक्टर 113 और 111 वाला, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, आपको मेरा नया ऑफिस भी दिख जाएगा। पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो चप्पा चप्पा या जितने भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, मुझे एक एक प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पता है, उनके प्रॉस एंड कॉन सब कुछ पता है। इसी वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जब मेरे पास आकर मुझसे सलाह मांगते हैं, तो मेरी यही कोशिश होती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट किसी गलत प्रोजेक्ट में ना हो जाए जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हो और बाद में उन्हें पछतावा हो। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे प्रोस एंड कॉन्स बताऊं, ताकि आपको एक ऑथेंटिकेटेड और सही जानकारी मिले प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि आप सही से डिसाइड कर सकें। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में हूं, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको मैंने आज से 2 महीने पहले दिखाया था कि एलिवेटेड रास्ते का काम लॉन्चर के थ्रू शुरू हुआ था, और पहला जो लॉन्चर का काम हुआ था वो यही इसी जगह पे शुरू हुआ था 2 महीने पहले। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो लॉन्चर है, ये जो आज से 2-2.5 महीने पहले इसका काम शुरू हुआ था, कितने स्पैन इसको क्रॉस कर चुका है, और आपको वीडियो में समझ में आएगा मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। और यहाँ अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आप इस डायरेक्शन से ऐसे आएंगे और गुड़गांव की तरफ जाएंगे, और यहाँ से आप जैसे ये जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं जहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम नहीं हुआ है, उसी के नीचे अंडरपास बन रहा है सेक्टर 102 का, जहाँ से आप हीरो होंडा चौक की तरफ जा सकते हैं। और जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये सेक्टर 102A है, इसी जगह पे कल को जो ओपन पार्क होना है, वो पार्क ये सब बनेगा। मैं कैमरे को टर्न करके आपको पूरा लोकेशन समझाता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या काम होने वाला है और उसका क्या टाइमलाइन है। ये सामने अगर आपको दिखाऊँ मैं, तो जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है यहाँ, वो सेक्टर 104 है, वहाँ पे भी देखिए वो सेक्टर 104 है वहाँ पे। और ये ATS का ट्रायम प्रोजेक्ट है। सामने जो आपको लॉन्चर दिख रहा है, ये आज से 2.5 महीने पहले पिलर नंबर 175 के पास से शुरू हुआ था, 175 के पास। और आज ही अगर मैं दिखाऊं आपको 2.5 महीने के बाद, तो सामने जो आपको पिलर दिख रहा है, देखिए ये जो आपको सामने पिलर दिख रहा है जहाँ पे लॉन्चर अब स्टेबल हुआ है, वो पिलर नंबर 180 है। और ये वाला जो पिलर है जहाँ पे अभी लॉन्चर फ़िलहाल है, वो पिलर नंबर 179 है। तो यहाँ पे क्या होना है कि इस पिलर नंबर 80, 81 और 82, देखिए यहाँ पे आपको मशीन दिख रही है काम करते हुए, वो रोड लेवलिंग का काम कर रही है। और इसके सामने जो आपको पिलर दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे अभी मशीन है, इस पिलर में आने के बाद
ये जो आपने लॉन्चर देखा, इस लॉन्चर को हटा दिया जाएगा यहाँ से और लॉन्चर को मूव कर देंगे वो ओकस मेडली के पास, जहाँ पे पैकेज 3 ख़त्म हो रहा है और पैकेज 4 शुरू हो रहा है। फिर लॉन्चर जो है उसको ओकस मेडली के तरफ से इस तरफ मूव करेंगे, यानी पैकेज 3 और 4 का जो इंटरसेक्शन है वहाँ से मूव करके लॉन्चर को इस वाले इंटरसेक्शन में लाएंगे और लॉन्चर कंप्लीट करेंगे। ये जो पूरा एक्टिविटी है, मतलब ये जो लॉन्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस लॉन्चर को पिलर नंबर 182 के पास और उसके बाद ओकस मेडली जो है सेक्टर 99 में, वहाँ से लॉन्चर को मूव करेंगे वापस सेक्टर 102 के पास। तो ये पूरा एक्टिविटी आप मान के चलिए कि सितंबर 2022 तक ख़त्म होगा। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि एक लॉन्चर से कैसे होगा ये सब काम ख़त्म। तो जो बाकी लॉन्चर्स हैं पैकेज 3 में जिस पे काम चल रहा है, जैसे पैकेज 3 में जो दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास लॉन्चर लगा हुआ है, वो लॉन्चर का काम जो है वो आप मान के चलिए कि अप्रैल मई तक ख़त्म हो जाएगा। तो उस लॉन्चर को फिर यहाँ पे बीच में जोड़ दिया जाएगा। तो टारगेट ये है कि जो पिलर नंबर 182 है, ये वाला 182 से जो ओकस मेडली है, उसको कवर कर देंगे अगस्त सितंबर 2022 तक। आपको ड्रोन शॉट्स भी दिख रहे होंगे इसके साथ साथ। और यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए, उस जगह पे, ठीक उसी जगह पे, वहाँ पे अंडर पास का काम चल रहा है। और जहाँ पे अंडर पास का काम चल रहा है उसका जो टाइमलाइन है, आप मान के चलिए कि जून 2022 तक मोटा मोटी उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। अंडर पास के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंडर पास जो है वहाँ पे जो ज़मीन है, कुछ पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है ज़मीन में जिसमें काम चल रहा है अंडर पास का, सेक्टर 102 और 102 ए के बीच में, उस ज़मीन का जो कंपनसेशन है वो अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट ने पे ही नहीं किया है जो लैंड ओनर्स हैं उनको, जिसके वजह से वहाँ पे काम फुल फ्लेज नहीं जा रहा है। जब वो काम होता है, लैंड ओनर्स भी चाहते हैं कि वहाँ पे काम हो, द्वारका एक्सप्रेसवे बने, बट प्रॉब्लम यह है कि जब वहाँ पे काम होता है और उसका कंपनसेशन उनके ज़मीन को नहीं दिया गया, तो उनके लिए कल को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है ये चीज़ क्लेम करने के लिए। तो इस चीज़ को ऑलरेडी मैटर को एस्केलेट कर दिया गया था NHAI को और हरियाणा गवर्नमेंट में, तो इसका भी सेटलमेंट बहुत जल्द हो जाएगा। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे उससे पहले ये न्यूज़पेपर में छप चुका होगा। अब मैं आपको लैंड ओनर से भी मिलवाऊंगा जिनकी ज़मीन है जो अक्वायर हुई है, जिसका कंपनसेशन पे नहीं हुआ है। फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखिए, जो आपको पिलर दिख रहा है, इस पिलर के नीचे ही अंडर पास का काम चल रहा है। तो अभी मैं आपको उस पिलर में भी लेकर चलूँगा और आपको सारा कुछ दिखाऊँगा। और अगर आप सामने देखें तो यहाँ पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं सेक्टर 102 में, कुछ रेडी टू मूव इन है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स। और ये हाई राइज बिल्डिंग है, वहाँ जो आपको लो राइज बिल्डिंग दिख रही है वो सेक्टर 102 है, और ये जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहा है यहाँ पे, ये भी सेक्टर 102 है। इसी के बाद सेक्टर 99 आ जाता है जहाँ पे ओकस मेडली है, जहाँ से लॉन्चर वापस से काम करना शुरू करेगी। और ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा एरिया, ये सेक्टर 102 ए है, जहाँ पे ग्रीन एरिया बनेगा, जहाँ पे पार्क बनेगा या पब्लिक कन्वेंस के लिए कुछ बनेगा, बट ये लैंड अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट ने अक्वायर नहीं किया है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जूम करके दिखाता हूँ, वो जो आपको हाईराइज बिल्डिंग दिख रही है वो सेक्टर 103 है। और ये आपको जो टावर दिख रहा है, देखिए सेक्टर 102 ए में ये वाला टावर और सेक्टर 103 में ये वाली जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, इन दोनों के बीच में ही माँ शीतला देवी माता मेडिकल कॉलेज आ रहा है, जिसमें 700 बेड का हॉस्पिटल भी होगा। तो वो इसी लोकेशन में होगा यहाँ से काफ़ी आगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पोर्शन है ना, इसमें रैंप का काम हो चुका है आगे तक, और अब ये बैरिकेडिंग का काम भी हो गया है और इस तरफ बैरिकेड्स को बनाया जा रहा है दोनों ही तरफ। देखिए उधर सेक्टर 102 है और इस तरफ सेक्टर 102 ए है। और ये जो पूरा लैंड आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारा का सारा डीमार्क्ड है और पार्क के लिए या पब्लिक के लिए कुछ यहाँ पे बनेगा, मोस्ट प्रॉब्ली पार्क होना चाहिए या स्टेडियम जैसा कुछ होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाले पोर्शन में, देखिए यहाँ पे आपको काम होता हुआ नज़र नहीं आएगा, इसका एक रीज़न है। अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो 90 मीटर्स का है, जो NHAI को हैंडओवर हुआ था। इनिशियल जो द्वारका एक्सप्रेसवे था सरफेस रोड, वो 150 मीटर का था। तो 150 मीटर तक तो लैंड यहाँ पे अक्वायर्ड है जहाँ पे काम हो रहा है, और उस तरफ भी काम हो रहा है वहाँ से हीरो होंडा चौक जाते टाइम भी, और इस तरफ भी हो रहा है। लेकिन 150 मीटर से लेके जो 210 मीटर है, यानी कि ये वाले पोर्शन तक, यहाँ से लेकर ये वाला 30 मीटर इस तरफ और 30 मीटर रोड के उस तरफ, वो लैंड GMDA ने या हुडा ने अक्वायरी नहीं किया, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने वो लैंड अक्वायरी नहीं किया है जिस पे काम हो सके। तो उस वजह से
जब तक जिनका भी लैंड है ये ओरिजिनली, तो किसी ना किसी फार्मर का लैंड होगा ये, तो जब तक उनको कंपनसेशन ना मिले तो वो यहाँ पे काम नहीं होने देना चाहते हैं। जो फार्मर्स का लैंड है वो चाहते हैं कि यहाँ पे काम हो, बट उनको कंपनसेशन पे कर दिया जाए। जिस तरीके से बाकी लैंड को उनके अक्वायर करके उनको कंपनसेशन दे दिया गया है, इस लैंड का अभी तक उनको कंपनसेशन नहीं दिया गया है। इसका भी मुआवजा भी मिल जाएगा उनको, तो यहाँ पे भी काम शुरू हो जाए। ऑलरेडी काम चल रहा है, उन्होंने दिया हुआ तो है परमिशन काम चलने के लिए। यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जल्दी से जल्दी काम करवा दे। ऐसे ही एक लैंड ओनर से मैं आपको मिलवाता हूँ और उनके बारे में बताता हूँ कि उनका थॉट क्या है इस बारे में। देखिए, जैसे ये पूरा लैंड जो आप देख रहे हैं, ये मिट्टी वाला लैंड, फिर यहाँ पे ये लैंड, ये जो लैंड है ये 150 मीटर से लेके 210 मीटर के बीच में है, और इसी वजह से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं शुरू हो पाया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ड्रेन है, देखिए जूम करके आपको दिखाता हूँ, ड्रेन यहाँ पे ख़त्म हो गई है। इसके बाद आगे ड्रेन कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है यहाँ पे। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये लैंड भी किसी और का है। जयदीप जी, मुझे ये पता कि यहाँ पे आपके काफ़ी लैंड थे और उनका एक्विजिशन हुआ और उसके बाद आपको मुआवजा मिला, बट कुछ लैंड ओनर्स हैं इंक्लूडिंग यू जिनको यहाँ पे कुछ लैंड पैच है जिस पे काम चल रहा है, उसका मुआवजा नहीं मिला है। मुझे ध्यान है कि आपने मुझे 2 साल पहले कॉल किया था इस बारे में और बताया था, तो अब तक मुआवजा नहीं मिला। आपका क्या कहना है? सर, हमारा ये एक जो लैंड पार्सल है जी, ये हमारा इस पॉइंट तक हमारी लैंड के ऊपर इन्होंने ऑथराइज तरीके से गवर्नमेंट ने रोड निकाल दिया था, ठीक है, इसके लिए अगेंस्ट हम कोर्ट में भी गए। ओके, विदाउट कंपनसेट किए आप हमारे इसके ऊपर कैसे आप पोजीशन ले लिया लैंड का जी। तो यही सर हमारा चल रहा है अभी भी गवर्नमेंट के साथ में, कि अगर हमें भाई हम हर्डल नहीं बनना चाह रहे किसी तरीके का इसमें, मतलब आप चाहते हैं कि द्वारका एक्सप्रेस का काम कंटिन्यू हो लेकिन हिंड्रेंस नहीं बनना चाह रहे, लेकिन हमको कंपनसेट किया जाए मार्केट रेट के हिसाब से जी, देन अपना काम करें। लेकिन जब तक ये हमको कंपनसेट नहीं करेंगे तो सर हमारे पास और क्या है, इसलिए हम बिल्कुल। और अगर अभी वो बना देते हैं तो बाद में आपको क्या लगता है कि वो दे देंगे पैसा? अगर आप अभी, यही तो है ना कि कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो अपना काम करके चले जाएंगे, हम किससे लड़ेंगे सर फिर उसके जी जी। तो हमारे पास यही चाह रहा है कि हमको रोकेंगे कि भाई जब तक आप हमको कंपनसेशन नहीं दोगे तो आप काम उसके नहीं करोगे। अच्छा, तो इसी के वजह से ये जो ट्रेन वाला है यहाँ पे अगर मैं देखूं तो रुक गया, इसके आगे नहीं गया। हाँ, ये तो हमने रोका था। तो आपका यहाँ पे जो लैंड है वो 150 मीटर का जो पुराना अलाइनमेंट था द्वारका एक्सप्रेसवे का उसका, और 210 मीटर के बीच का जो हिस्सा है जिसको अक्वायर नहीं किया गया था, ये वो हिस्सा है प्लस ये जो सेक्टर रोड है जी, ये इसके वाला जो हिस्सा है ये हिस्सा भी है उसके अंदर, इसका भी कंपनसेशन नहीं मिला। 150 मीटर का तो कंपनसेशन मिल चुका है जी, लेकिन इस वाले रोड का हमें कंपनसेशन नहीं मिला। तो मतलब आप बोल रहे हैं 210 मीटर के बाद भी जो हिस्सा है वहाँ पे जिसमें अंडरपास बन रहा है उधर, ये सर ये हमारी लैंड के अंदर अंडरपास बना रहे हैं जी, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, तो इसका आपको अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो 210 मीटर का लैंड है जहाँ पे लैंड एक्विजिशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद नहीं आएगा, ग्रीन बेल्ट ही है 210 मीटर का, उसके बाद भी आपकी लैंड है जिसकी कंपनसेशन नहीं मिली आपको? हाँ सर, उसके बाद वाली लैंड की भी कंपनसेशन अभी बचती है सर, और ये हुडा आपको हुडा की तरफ से मिलेगा। सर, इससे तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो लैंड अक्वायर नहीं हुआ है यहाँ पे 210 मीटर और 150 मीटर के बीच का, और जो आप इसके पीछे वाला भी लैंड बोल रहे हैं जो अक्वायर नहीं हुआ है, तो कल को इधर आधा बन जाएगा, इधर आधा बन जाएगा, और आपको अगर कंपनसेशन नहीं मिला है तो लोग आएंगे जाएंगे कैसे? सर, ये तो हम तो ऐसे कैसे अलाउ करेंगे उनको आने जाने के लिए जी, उसके लिए मना करेंगे सर? आप मना करेंगे उसके लिए? सर, हमारी लैंड के ऊपर आप कैसे, हमारी प्राइवेट लैंड है, हमारे ऊपर कोई कंपनसेशन हमें मिला ही नहीं जी, तो आप ऐसे कैसे हमारी, तो आप हरियाणा गवर्नमेंट से या NHAI से क्या चाहते हैं सर? कि सर हम चाहते हैं कि हमें जो मार्केट रेट के हिसाब से कंपनसेशन दिया जाए तो देन अपना काम करें वो। आप काम में रुकावट नहीं बनना चाहते हैं, बट आप चाहते हैं कि इमीडिएटली आपको कंपनसेशन रिलीज कर दिया जाए। काम में रुकावट सिर्फ इसलिए बने हैं क्योंकि हमें कंपनसेशन नहीं मिला है हमें। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, सामने जो आप पिलर देख रहे हैं इसी में वो जो एलिवेटेड रास्ता है यहाँ तक आएगा लॉन्चर, और उसके बाद लॉन्चर को डिसमेंटल कर दिया जाएगा। यहाँ से आप NH8 की तरफ जा सकते हैं हीरो होंडा चौक को लेकर, और यहाँ से आप सेक्टर 102 और 102A के डिवाइडिंग रोड में जा सकते हैं, जहाँ पे ये आपको तीन तीन मशीन्स काम करती हुई दिख रही है, वहाँ पे नीचे पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप आगे देखें तो पिलर नंबर 183, 184, 185, 186, 187, 188 के पास, पिलर नंबर 188 के पास वहाँ पे ट्रस लगाकर नीचे से सपोर्ट देके एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है, और साथ में वहाँ पे विंग्स को भी लगा दिया गया। और ये सर्विस फ्लाईओवर है यहाँ पे, और यहाँ पे इस साइड का जो सर्विस फ्लाईओवर है वो इस एंड तक कंप्लीट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अंडरपास बनेगा तो इसी वजह से इस सर्विस फ्लाईओवर को यहाँ वाले सर्विस फ्लाईओवर के साथ अभी जोड़ा नहीं गया है। तो जब तक कंपनसेशन नहीं मिलता है, इधर का रास्ता और उधर का 30 मीटर का रास्ता, उसमें प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा।
देखिए लेफ्ट वाला जो है ये पिलर नंबर 182 है, और ये जो राइट वाला आपको दिख रहा है ये पिलर नंबर 181 है। यहाँ पे आपको जेसीबी मशीन दिख रही है जो रोड में ग्रेवल्स डाल रही है, और उसके बाद वाटर बॉन्डिंग का काम यहाँ पे शुरू होगा। अब आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे बारिश नहीं है। यहाँ पे ये बर्ड्स को देखिए, ये देखिए। तो पैकेज 2 में हमें एरोप्लेन दिखते हैं और पैकेज 3 में हमें बर्ड्स दिखते हैं। तो ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं जिसको पूरा मिट्टी सा आपको दिख रहा है, इसके नीचे बेसिकली सबवे है, एक इस तरफ होगा और एक रोड के अंडरपास के दूसरे तरफ उधर में होगा सबवे। तो इसके थ्रू जो पेडिस्ट्रियंस हैं वो रोड को आना जाना नीचे से क्रॉस कर लेंगे, सो डैट जो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे है उसमें कोई पैदल चलने वालों की वजह से हिंड्रेंस ना हो और कोई एक्सीडेंट्स ना हो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।